दोस्तों इन डंबल्स का अनबॉक्सिंग देखने के बाद शायद आपके मन में ये डाउट होगा कि इसके अंदर आखिर कौन सा मटेरियल है, मतलब क्या इसके अंदर कंक्रीट है और ऊपर पीवीसी कोटिंग है या फिर और कौन सा मटेरियल है। कंपनी ने बोला है रबर का डंबल है, मतलब क्या पूरा रबर का डंबल है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रबर का ही डंबल है, लेकिन ये जो रॉड है वो लोहे का है, लेकिन उसके ऊपर भी रबर की परत है, ऐसा कंपनी का दावा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कंपनी का दावा सही होगा। डंबल हाथ में लेने के बाद पता चलता है कि ये डेंस रबर से बना है, लेकिन जो लोहा इस्तेमाल किया है वो कहाँ तक किया होगा ये मुझे पता नहीं है। क्या इसके अंदर भी लोहा है ये मुझे मालूम नहीं है। रॉड तो लोहे से बने हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा मैग्नेट टेस्ट लेकर। दोस्तों अब मैं इन डंबल्स का मैग्नेट टेस्ट आपको दिखाता हूँ। मैंने मैग्नेट को ऐसे लटकाया है और मैं इस डंबल के रॉड पे पहले रखता हूँ। आप देख सकते हैं रॉड को कैसे चिपक गया है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि रॉड लोहे का है। चलो यहाँ रख के देखता हूँ, तो यहाँ भी वो चिपक गया है, आप देख सकते हैं। साइड में रखता हूँ, यहाँ भी चिपक गया है। लेकिन लोहे का अस्तित्व कितना है और किस स्वरूप में है ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसके अंदर लोहा है ये साबित हो गया। इन डंबल्स के क्वालिटी के बारे में बोला जाए तो इन डंबल्स की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। स्पेशली डंबल्स के जो रॉड है वो काफ़ी अच्छे वाइड है, तो इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, डंबल्स उठाने में परेशानी नहीं होगी। रॉड अगर बारीक होता तो शायद तकलीफ होती डंबल उठाने में। और इसके ऊपर पॉलीथीन लपेटा है पूरे डंबल्स के ऊपर, तो ये पॉलीथीन तो मैं निकालने वाला हूँ नहीं, जब कभी निकलेगा तो निकलेगा। मैंने ये डंबल्स की ऑर्डर किए क्योंकि मैं जिम में नहीं जाता, मेरे पास बेंच प्रेस है, बारबेल है, एक प्लेट वाला डंबल भी है जो 15 किलो का है। लेकिन उससे मैं हैमर कर्ल नहीं मार सकता। मैं आपको दिखाता हूँ हैमर कर्ल क्या होता है। दोस्तों हैमर कर्लिंग के साथ आप बाइसेप कर्लिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बारी बारी से या एक ही वक्त आप कर सकते हैं ऐसा। मैं तो बाइसेप कर्लिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला क्योंकि ये 10-10 किलो के है और मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो 15 किलो का है, तो मेरे लिए बाइसेप कर्लिंग के लिए ये थोड़े हल्के लगते हैं। लेकिन इसके अलावा आप बेंच पर लेटकर भी इस तरह से आप चेस्ट के लिए डंबल्स मार सकते हैं। आप इसकी सहायता से बहुत सारा वर्कआउट कर सकते हैं। आप शोल्डर के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइसेप कर्लिंग के लिए शायद आपको थोड़ा हल्का लेना पड़ेगा, ये शायद आप उठा नहीं सकते। मैं मार सकता हूँ लेकिन आप शायद इसे उठा नहीं सकते। और फोरआर्म कर्लिंग के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। दोस्तों आपको ये डंबल्स खरीदने हैं तो किसी भी ऑनलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। मैंने कोई ऑनलाइन मार्केट का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं किसी साइट का नाम नहीं ले सकता। मैं कंपनी का ब्रांड नेम दिखा सकता हूँ, उस ब्रांड के आप डंबल्स खरीद सकते हैं। उनसे भी मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला, बस मुझे ऐसा बोलना है कि ऐसे रबर वाले डंबल काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे आपको अब मैंने 10-10 किलो के खरीदे, ऐसे 10-10 किलो के स्टेनलेस स्टील के डंबल खरीदने होते तो मुझे कम से कम 3,500 रुपये देने पड़ते, या फिर कास्ट आयरन के भी डंबल काफ़ी महंगे होते हैं। दोस्तों ये दोनों डंबल मैंने 1,400 रुपये में खरीदे। आपके शहर में अगर कोई स्पोर्ट्स फिटनेस वाला शॉप होगा तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, शायद वहाँ सस्ते भी मिल सकते हैं। दोस्तों सिर्फ वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनेगी, वर्कआउट करने के बाद आपको अच्छा खाना भी पड़ेगा, मतलब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल आप अगर पूरे दिन में 14 अंडे खाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे खाने हैं, दो हिस्से में खाने हैं आपको। मतलब अगर मॉर्निंग में 10 बजे आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है तो आधा घंटे के बाद आपको 7 अंडे खाने हैं, 7 में से 2 अंडे आपको अक्खे खाने हैं और 5 अंडों में से सिर्फ व्हाइट पार्ट आपको खाना है, येलो पार्ट बाजू में करना है, समझ गए? और वैसे शाम को 7 अंडे,
दो आँखें और पाँच का सिर्फ वाइट पार्ट, येलो पार्ट नहीं खाना, क्योंकि उसमें फैट्स होते हैं और फैट्स के साथ कोलेस्ट्रॉल भी होता है, समझे। तो आपकी बॉडी बनेगी। और कार्बोहाइड्रेट्स में आप एक केला, स्वीट पोटैटो, योगर्ट खा सकते हो, दो ब्राउन ब्रेड के स्लाइस खा सकते हो। क्या मेरी बॉडी क्यों नहीं है भाई साहब? मैं सिर्फ तीन अंडे खाता हूँ, तीन अंडों की बॉडी सिर्फ इतनी है। अगर मैं 14 अंडे खाता तो अभी मेरे हाथ में इतना बड़ा प्रोटीन पाउडर का डब्बा होता और मैं उसके बारे में आपको बताता, ये प्रोटीन पाउडर खाओ और बॉडी बनाओ। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार। ओके, टिल देन गुड बाय।